उत्तर पूर्वी दिल्ली सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री पार्क इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था का हाल बदहाल है। एक ओर जहां दिल्ली को साफ सुथरे और चमकाने की बात की जा रही है, तो दूसरी ओर से शास्त्री पार्क के एक और एफ और ए ब्लॉक में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां के लोगों को सीवर और नालियों का गंदा पानी गलियों में भर जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ। साफ जाहिर है कि मौसम बदलने से जहां मौसमी बीमारियों का स्थानीय लोगों में खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान का कहना है कि निगम पार्षद की उदासीनता के चलते स्थानीय लोगों के ये दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से कहकर जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाएगी, तो स्थानीय लोगों को ये दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं और डर मौसमी बीमारियों का इन स्थानीय लोगों में पना हुआ है इस गंदगी की वजह से। विधानसभा गौतमपुरी वार्ड और एक तरफ लगता है सीलमपुर वार्ड, आपको दिखा दे मेरे पीछे इस समय आप देख सकते हैं गंदगी, जो पानी गंदा पानी जो है नालियों से और सीवर का पानी जो है ये पूरा गली में भरा पड़ा है। लोगों को काफी दिक्कत का सामना यहाँ करना पड़ता है। मैं आपको दिखा दूं, जरा ये देखिए सामने आप देख सकते हैं यहाँ ये बच्चे को देखिए किस तरीके से यहाँ से जाना पड़ता है। काफी दिनों से ये समस्या लगातार यहाँ बनी हुई है, शिकायतें करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है समाधान नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम बताइए अपने एक बार। जनरल आवेदीन। अच्छा ये बताइए कि आपको दिक्कत होती है? मैं देख रहा हूँ पूरी पूरी दिक्कत है, कि यहाँ से उसके ऊपर थल लोगों पर चढ़ चढ़ के आना पड़ा, पूरा गंदा पानी सीवर का भरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए पूरी सारी की सारी परेशानी हो रही है यहाँ पर। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान हो जाए। यहाँ दो वार्ड है, एक इधर सत्य शर्मा के, इधर हरजन सकीला का है, दोनों का है। पानी कब से भरा रहता है भाई? पानी तो यहाँ हमेशा ही समस्या है, ये यहाँ डेली पानी इसी तरीके भरता है डेली, और आने जाने वाले इतने परेशान है पूछो मत। सारी बीमारी सारी गंदगी यहीं पे सारी इकट्ठी होती है, और सारा पानी यहीं से निकलता है। पहले दो तीन जगह पानी निकलता था, वो पानी सारा एक जगह से कर दिया। अगर पीछे तो जैसे पहले कट लगे हुए थे, अगर स्प्रे की करें तो पानी यहाँ भरेगा ही नहीं। अच्छा, जनप्रतिनिधि यहाँ पे काम करते हैं? काम करते हैं भाई, वो कुछ नहीं करते, बस नाली नूली निकाली अपने, ऐसे पानी उनके सामने भरा रहता है। काम दिख रहा है? हाँ काम दिखाते हैं, बस आते आते बाकी सब इससे दिखाई देता सारा। वास्तव बीमारी का डर तो बहुत है, लेकिन ये वार्ड जब से हमारा दो वार्डों बढ़ गया है, एक तो हमारा ये वार्ड 226 पहुंच गया सत्य शर्मा के पास, और ये पहुंच गया हमारा हाजी अफजाल के पास सीलमपुर वार्ड में। वो चाहिए कि नाली जो है हमारी ये एफ ब्लॉक का सारा पानी ई ब्लॉक में आता है, इसका सोल्यूशन करा जाए। इसके अंदर एक बिजली का पाइप है, उससे बड़ी दिक्कत होती है, कूड़ा अटक जाता है, पानी सारा बाहर आ जाता है। फिर ये अपने हमारी गली के नाले हैं वो बंद कर दिए गए। ये बताइए गलती किसकी मानते हैं? जनता की मानते हैं कि जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि के है, लेकिन दोनों बैठे बात करें तभी तो सोल्यूशन होगा, वरना सोल्यूशन नहीं होगा। कम से कम साल दो साल हो गए होंगे लगभग। आप कैसे दुकान चलाते हैं? खाने पीने की बड़ी दिक्कत होती है? बड़ी दिक्कत होती है सर, कोई नहीं, कोई नमाजी है, कोई कैसा है, कोई तो ऐसा जरा पैर पड़ जा गिर जा तो उसने भी नहीं पागा वो, हम उसी बात समझ। इसको दसियों कम्प्लेन हम लोग कर चुके, जो यहाँ का इंस्पेक्टर है उससे भी कर दी, आगे उसको भी कर दी, क्या नाम है जो यहाँ के वो है यही वगैरह, लेकिन इसका समाधान नहीं होता। 6 महीने हो गए, 6 महीने में एक जमीनी सीवर बिल्कुल बंद पड़ा था। वो एमएलए है यहाँ के रहमान साहब, रहमान साहब जब से जीते हैं यहाँ पे काम नहीं देखने नहीं आते यहाँ पे, वो जाफराबादी वहीं बस वहीं की राजनीति चल रही उनकी, यहाँ तो आते ही नहीं देखने। पता नहीं जो है ना लोग क्या समझ के वोट देते हैं, हमें यही पता नहीं है। दुकान के सामने कितनी दिक्कत होती है? गिरने का भी डर है, परेशानी होती है। हाँ। आते जाते रोज यहाँ से? हाँ। समस्या लगातार यहाँ बनी हुई है, लोगों को बीमारियों का डर भी सताने लगा है। राकेश चावला, जी मीडिया दिल्ली। जिम्मेदारी बनती है पार्षद की कि जाकर के वहां नालियों को देखें और उन्हें साफ कराएं। मेरे संज्ञान में आपने लाया है आज के वहां पानी भर रहा है और नालियां साफ नहीं है। कल मैं डीसी साहब से बात कर लूंगा और नालियों को साफ करवाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कहीं भी गंदगी रहे या नालियां भरी रहे और कोई सुने ना, ये तो गलत बात है जिससे जनता को परेशानी हो।